मनीष सिसोदिया इस वक्त शराब घोटाले के चलते तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद मनीष सिसोदिया की एक चिट्ठी खूब वायरल हो रही है। सिसोदिया ने जेल से इस चिट्ठी को लिखा है और सीएम केजरीवाल ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। ट्वीट कर केजरीवाल ने लिखा कि मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम पत्र लिखा। बीजेपी लोगों को जेल में डालने की राजनीति करती है, हम बच्चों को पढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। जेल भेजना आसान है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल। राष्ट्र शिक्षा से आगे बढ़ेगा जेल भेजने से नहीं। वहीं इस लेटर में सिसोदिया ने लिखा, दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए बहुत बार यह सवाल मन में उठता रहा कि देश और राज्य की सत्ता तक पहुंचे नेताओं ने देश के हर एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल और कॉलेज का इंतजाम क्यों नहीं किया। एक बार अगर पूरे देश में पूरी राजनीति तन मन और धन से शिक्षा के काम में जुट गई होती तो आज हमारे देश में हर बच्चे के लिए विकसित देशों की तरह अच्छे से अच्छे स्कूल होते, तो फिर क्यों शिक्षा को सफल राजनीति ने हमेशा हाशिए पर रखा। आज जब कुछ दिनों से जेल में हूँ तो इन सवालों के जवाब खुद मिल रहे हैं। देख पा रहा हूँ कि जब राजनीति में सफलता जेल चलाने से मिल जा रही है तो स्कूल चलाने की राजनीति की जरूरत भला कोई क्यों महसूस करेगा। वहीं पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए मनीष सिसोदिया ने लिखा, सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को जेल भेजकर या जेल भेजने की धमकी देकर सत्ता चलाना, देश के हर एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल कॉलेज खोलना और चलाने से ज्यादा कहीं आसान है। उत्तर प्रदेश के हुक्मरानों को एक लोक गायिका का लोकगीत अपने खिलाफ लगा तो पुलिस द्वारा नोटिस भेज उसे जेल जाने की धमकी भिजवा दी। वहीं कांग्रेस के एक प्रवक्ता को दो राज्यों की पुलिस ने खूंखार अपराधी की तरह फिल्मी अंदाज में जाकर दबोचा। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और लागू करने के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।